बच्चों को छोड़ करके आई हूँ। 5:15 का टाइम है और बच्चों को छोड़ दिया है बैडमिंटन के लिए, तो उनको 1 आवर लगेगा। बाय द टाइम मैंने सोचा है कि जो बाज़ार जाके जो नवरात्रि का सामान लेके आना है वो मैं अभी लेकर के आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी पूरे 1 आवर के बाद अभी बात कर रही हूँ, तो इस 1 आवर के बीच में बाज़ार जा कर के आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सब्जियाँ हैं, नारियल है, और जो जौ वगैरह थे, कुछ घी था फ्रेश लाना था जोत वगैरह के लिए, और वो करियाने का सामान लगा करके सब्जियाँ वगैरह ला के नारियल और कुछ मौलियाँ वगैरह भी लाई हूँ फ्रेश, सुपारी और बाकी जो था ना सामान वो चाहिए बर्तन लगाने के लिए, जौओं की खेती लगाने के लिए, वो ऑलरेडी पिछले साल के थे। रेत लेना है उसके बीजने के लिए, रेत है वो फ्रेश चाहिए, मीन साफ़ सुथरा कहीं से ढूंढते हैं अभी। और एक दो काम बच गए हैं, लेकिन अभी 6 बज गए हैं, तो सोचा फटाफट बच्चों के पास पहुँच जाऊँ पहले, सो देट उनको मैं पिक कर लूँ। तो बच्चों के पास टाइमली पहुंच गई हूँ, लेकिन बच्चे जो है अभी तक बाहर निकलने स्टार्ट नहीं हुए, कोई भी बच्चा नहीं अभी बाहर, तो वो मेरे ख्याल में 1-2 मिनट में आ जाएंगे। तो अभी एक सामने वाले घर में जो अंकल जी है ना, अभी पानी डाल के गए इस डब्बे में, और कैसे डॉगी उसको जैसे पानी डाल के गए वो पीने आ गया उसको, तो इसका सेट होगा कि अंकल जी रोज़ पानी डालते होंगे और ये रोज़ आके पीता होगा, अभी जा रहा है वहाँ से वो। तो इसका अपना इलाका लगता है ये। अंकल जी एक और पानी की बोतल लेके आ गए हैं, तो रोज़ शाम का इनका भी रूटीन होगा डब्बा भरने का। तो काफ़ी टाइम लग गया ना इधर, अभी बच्चे अभी आए हैं, काफ़ी लेट हो गए आज, ये भी 6:30 बज गए हैं आज अभी, तो फटाफट जाके अभी घर पहुंचते हैं, दिया जोत वगैरह जलाएंगे अभी, और फिर अगले काम रात के शुरू। कलश वगैरह वो धो लिया, और जिसमें हम जो अपने जौ बीजेंगे वो भी धो लिया मैंने, साफ करके रख लिया सामान। और ये आ गया नारियल हमारा, और जो जौ हैं इतने से लाई हूँ उनको मैं रात भर के लिए ना पानी में डाल के रख देंगे, सो दैट सुबह जब हम उनको रेत में डालेंगे तो जर्मिनेट होने में आसानी रहेगी उनको। सो फ्रेंड्स, तैयारी कर ली है, अब टाइम है जो डिनर बनाने का। तो बाली साहब भी आ चुके हैं और बच्चे अपना अपना पढ़ रहे हैं। इस मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है नवरात्रि, तो सुबह सुबह और मोरोवर स्कूल भी जाना है कल, और जो है बच्चे तो अभी घर में ही रहेंगे, सो जो है मॉर्निंग में जल्दी उठ करके ब्रेकफास्ट वगैरह बना के नहा धो के पूजा करके नवरात्रि के सारे काम करके फिर हम स्कूल जाएंगे। सो मिलते हैं जल्दी सुबह। तो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, अभी 5 बजे से ही सुबह के प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, तो अभी टाइम है 6:15 और पूजा की तैयारी मैंने धीरे धीरे कर ली है। उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि ये सामने आपको जो पिंक घर दिख रहा है ना हमारे पड़ोसियों का, एक्चुअली कल से इनके घर में बेटी की शादी के प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं, तो वो भी अगले आने वाले वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे। सो अभी सबसे पहले तो पूजा की तैयारी जो है, रेत वगैरह का धो के बर्तन में डाल लिया, और येलो फूल रख लिए हैं गणेश जी के लिए, और जो दूसरे डार्क वाले फूल हैं वो माता की पूजा के लिए रख लिए हैं। तो जो माता की मूर्ति मैंने ऊपर रखी थी ना, ऑलरेडी आपको बताया था कि वो टांग के रखते हैं क्योंकि नीचे जगह कम है, तो उसको अब मैंने चौकी पे रख लिया है। और दो जो गणेश जी थे थोड़े दिन के लिए उनको जो ट्रांसफ़र कर दिया है रूम में अंदर रख लिया उनको, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी स्पेस की कमी थी। तो कलश की स्थापना कर दी है, कलश के पानी में गंगा जल डाल दिया है, सुपारी और फूल और इलायची
और एक कॉइन भी डाल दिया है, और उसके ऊपर छोटे से उसी मिट्टी के बर्तन में चावल भर के ऊपर जो है नारियल में मौली लपेट करके वो रख लिया है। और इधर जो है साइड बाय साइड चल रही है, जौ बीजने का काम चल रहा है इधर। तो आप ऐसा करिए कि जो पिछले साल के मेरे नवरात्रि के वीडियोस हैं ना, तो अगर नहीं देखे हुए हैं तो एक बार फिर से प्लीज़ उनको देखिए डिटेल में। सब कुछ मैंने नवरात्रि की पूजा का उसमें जो है वो आपके साथ है शेयर करके रखा हुआ है। अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। और अभी भी जो है ना स्कूल जाने को अभी भी मेरे पास मोर देन 1 आवर, मतलब 1 आवर से 15 मिनट्स ज़्यादा भी अभी मेरे पास है। तो आराम से उस दौरान मैं जो है ना वो ब्रेकफास्ट का काम कर लूँगी। तो लौकी की सब्ज़ी एज यूजल। तो आप ऐसा सोचेंगे कि क्या मैं सिर्फ लौकी की ही सब्ज़ी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। बाई चांस होता है कि जब शूटिंग करती हूँ तो लौकी की सब्ज़ी बन रही होती है। तो चाय साथ साथ लौकी की सब्ज़ी का तड़का, और ये रहा हमारे ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन मींस बच्चों के लिए। और ये कल क्योंकि लास्ट वाला श्राद्ध था ना, तो वो भी किया था थोड़ा सा, तो उसके बचे हुए हैं भल्ले। तो भल्ले फ्रिज में रखे हुए थे, उनको गर्म पानी में डाल करके दही में डाल दूंगी, लंच के काम आ जाएंगे। और एक पड़ी थी बीन्स आलू की सब्ज़ी, साथ में है बॉयल्ड मेरे पास राजमा, साथ में कटी हुई वही मेरा फेवरेट वाला मिक्सचर सब्जियों का, और प्याज टमाटर है और ब्रेड है। तो ये सब मिक्सचर को इकट्ठा करके इसके बनाए जाएंगे टोस्ट। तो टोस्ट की फिलिंग के लिए ना जो है सबसे पहले मैंने अपने पैन में ना थोड़ा सा डाला है घी। ये टोस्ट की फिलिंग तैयार हो रही है, ठीक है। तो घी में सबसे पहले डाल दिया मैंने जीरा, थोड़ा सा हल्के हल्के सौटे करेंगे सब चीज़ को, ज़्यादा कोई पकाना नहीं है, बस ऐसा ही कि कंबाइन करना है, असेंबल करनी है चीज़ें यहाँ पे इस पैन में, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं पकाना है। तो जीरा डाल करके प्याज और टमाटर को भून लिया है, और उसके बाद जो है जाएगा हमारा उसी में जो ठंडे राजमा थे ना, वो ये सिर्फ बॉयल्ड हैं, उनकी सब्ज़ी नहीं थी, बॉयल्ड राजमा। एक कटोरी में हर चीज़ की जो बॉयल्ड होता है वो ऐसे मैं रख लेती हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे एक या नेक्स्ट डे, उस दिन या नेक्स्ट डे मेरे ज़रूर काम आ जाता है। तो राजमा चले गए हैं, और साथ साथ जो बनी हुई पकी हुई सब्ज़ी थी बीन्स आलू की। देखो अगर मैं बीन्स आलू की सब्ज़ी ऐसे एक कटोरी किसी को देती हूँ ना लंच में, तो फिर वो सबके सबके लिए नहीं सफिशेंट होगी। तो सोचा उसको मैं यूँ इस मिक्सचर में डाल दूँ, सब्ज़ी की सब्ज़ी आलू के आलू, और मिक्सचर में टेस्टी टेस्ट भी आएगा अलग से। तो थोड़ी सी शेजवान डाल दी है 1 स्पून मैंने, और मिक्सचर तैयार है। थोड़ा सा नमक क्योंकि सब्ज़ी में ऑलरेडी है, बस जस्ट एक नमक का पिंच दे दिया है, और साथ में थोड़ी सी सॉस। बस ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। उधर जो लंच के लिए मैंने बनाए थे ऑलरेडी थे मेरे पास भल्ले, दही में डाल लिए हैं, तैयार है। और अच्छी बात यह है कि आदित्य ने कहा कि आप सिर्फ टोस्ट का जो फिलिंग है तैयार कर दो, ढक के रख दो, और चपाती वगैरह दोपहर की बना दो। तो मैं टोस्ट में जो है ना वो टोस्ट में खाने के टाइम पे बना लूँगा, जब उसकी क्लासेस में ब्रेक मिलेगी तो वो बना लेगा। तो चलो अभी चलते हैं, खाने वाने का सारा काम हो गया है, आदित्य बाद में टोस्ट तैयार करेगा अपने लिए, अपने पापा के लिए और अमूल्य के लिए। तो अभी मेरी स्कूल की तैयारी है, तो यहाँ पे शूटिंग करने के लिए अमूल्य आ गए हैं। कि उसका ऐसा होता है कि आप हमारी वीडियो बनाते हैं ना, तो मैं आपकी भी वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें थोड़ी सी ये बदले की भावना रहती है कि आप हमारी बनाते हो ना तो मैं आपकी भी बनाऊंगा तैयार होते होते। तो बस हमारा स्कूल जाने का टाइम हो गया है। बज गए हैं और जस्ट स्कूल से रिटर्न हो रही हूँ, तो ऑन द वे हैं, जब अभी वापस ही आ रही हूँ स्कूल से। सो 2 बजे, तो 8 to 2 पूरा टाइम स्कूल का लगा करके अब वापस घर को जा रहे हैं। सो क्वाइट सेटिस्फाइड काम करके, बच्चों को पढ़ा के। सो इतना ज़्यादा डिफरेंस फील हो रहा है ना ऑनलाइन और ऑफलाइन में, कि यहाँ जब आप बच्चे बैठ रहे हैं ना सामने आपकी फेस टू फेस, सो हम उनके एक्सप्रेशंस देख करके बता पा रहे हैं कि चाइल्ड इज़ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग और नॉट। और बच्चों को भी बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस लग रहा है,
मतलब सम ऑफ देम जो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होते थे क्लास में, अब वो उतना इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे हैव लॉस्ट दैट हैबिट। तो मतलब बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर भी एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी, 1 or 2 months के लिए चली थी, लेकिन फिर सब कुछ बंद हो गया था। सो अभी फिर से स्टार्ट हुई हैं और अभी जो है वो पेरेंट्स कंसेंट जो बच्चे लेके आ रहे हैं ना, दैट इज़ इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहा है। तो मतलब अब सब चाहते हैं कि स्कूल स्कूल जाएँ और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाए। सो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे कभी फर्स्ट डे स्कूल ज्वाइन किया होगा इन द स्टार्ट ऑफ द जॉब, तो उतना अच्छा फीलिंग आ रही है कि हम स्कूल जा रहे हैं और हम बच्चों को वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ ए फीलिंग, बिल्कुल एक नई सी फीलिंग, नई एक्साइटमेंट के साथ पढ़ा रहे हैं। और क्योंकि वी हैव सीन द जो ड्रॉबैक्स हैं ऑनलाइन क्लासेस के, ड्रॉबैक्स देखने के बाद अब जो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। सो दिस वॉज द थिंग। तो आज नवरात्रि भी है, सुबह आपने देखा कि हमने पूजा वगैरह सब सेट कर लिया है, तो अभी चलते हैं। आज फास्ट भी है, सो देखते हैं क्या खाने को बनाना है बच्चों के लिए। लंच वंच तो सारा प्रिपेयर किया हुआ था ऑलरेडी, और वाले साहब के लिए बच्चों ने बाद में पैक कर दिया होगा। सो लेट अस सी, अब घर जाके देखते हैं, करके प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए ओके, अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आप सबको फिर से वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वाचिंग माय ब्लॉग। और फिर हम एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू वेरी मच टू यू।